बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अली तालीम दुनिया के साथ हाजिर हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 में करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था, आज हम करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेशन करेंगे कि जब हम लग मालूम करते हैं तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे और मेंटेशन कैसे मालूम करेंगे। तो ये दो आम सी बात है कि जब हमें एक लॉग दिया होता है, परस करें कि लॉग ऑफ 2560, परस करें हमें ये एक लॉग दिया हुआ है कि इसका लॉग मालूम करें। और आपको एक और बात बता चाहिए लोग, यहाँ पर बेस ना हो कि परस करें कि मैं लिखता हूँ कि लॉग ऑफ 2608, मैंने ये लिखा, यहाँ पर मैं बेस लिखता हूँ कि 8 बेस है, लेकिन यहाँ पर तो ये बेस नहीं, मैंने बेस नहीं लिखा। तो ये कॉमन अल्गोरिथम है, यहाँ पर ये इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। या जब हम लॉग लिखते हैं उसमें हम बेस ना लिखे तो आप समझ ले कि उसका जो बेस है वो 10 है। परस करें कि मैं लिख लेता हूँ कि लॉग ऑफ 5906, मैंने ये लिख लिया और यहाँ पर मैंने बेस नहीं लिखा, तो इसका जो बेस होगा वो होगा 10। और अगर मैं लिखूं यहाँ पर ये नंबर है, मैंने इसका बेस लिखा 9, तो फिर इसका बेस 9 होगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो उसका जो बेस होगा वो 10 होगा, और 10 हम नहीं लिखते हैं, इसका बेस 10 होगा। और इसे हम फिर कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं, जिसका बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। अब आपको ये बताऊं कि हम करेक्टरिस्टिक और मेंटेशन कैसे मालूम करेंगे। पहले तो करेक्टरिस्टिक तो इजी से मालूम हो जाता है, लेकिन मेंटेशन के जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए लॉग टेबल की जरूरत होती है। मैं करेक्टरिस्टिक हमें से मालूम करते हैं कि ये पहले आप जो ये नंबर होंगे आप पहले इनको गिन लेंगे कि ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। तो जब करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो इससे 1 माइनस कर लेंगे 4। आप देखिए कि ये 4 नंबर है तो 4 माइनस 1, तो जब हम करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो वो सारे जो नंबर होंगे कि 1 2 3 4, पहले इनको गिनेंगे फिर इससे 1 माइनस करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पर ये 4 है माइनस 1, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। अब ये तो हमारे पास 1 से ग्रेटर नंबर है, उनके लिए तरीका है कि जो नंबर होंगे बस उनसे 1 माइनस करो तो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। अब अगर हमारे पास 1 से छोटे नंबर हो तो उनके लिए क्या तरीका होगा कि हम उसका करेक्टरिस्टिक मालूम करें। अब परस करें कि हमारे पास दूसरा नंबर है कि लॉग ऑफ 0.0023, हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए बहुत इजी वे है कि माइनस नंबर ऑफ जीरो, क्या नंबर ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन, इसका ये तरीका है कि जो नंबर होंगे वो माइनस फिर माइनस वन, यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो डायरेक्ट जीरो होंगे वो हम गिनेंगे। अब हमारे पास अगर होंगे 0.00203, यहाँ पर तो ये 3 जीरो है, लेकिन हम ये वाला जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो डायरेक्ट जीरो है वो है 2, तो हम या इस जगह पर ये 2 जीरो लिखेंगे, यहाँ पर जो अगर यहाँ पर ये नॉन जीरो नंबर आ जाए उसके बाद अगर जीरो हो तो वो फिर हम नहीं गिनेंगे। यहाँ पर जो इस तरफ पर जो जीरो होंगे हम वो लिखेंगे, यानी पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के दरमियान जो भी जीरो होंगे हम वही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 2, तो मैं लिखता हूँ कि माइनस 2 और माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1, ये इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा माइनस 3। नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ जीरो और माइनस 1, इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो माइनस 0 होगा। तो ये तो हमने करेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया कि जब हम नॉन जीरो नंबर का करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो वो नंबर गिनेंगे फिर उसे 1 माइनस करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। और फिर यार जब हम नॉन जीरो नंबर यानी कि वो नंबर जो जीरो से लेस हो अगर हम उसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो इस तरीके से कि माइनस नंबर ऑफ जीरो माइनस
वन, एक पॉइंट के बाद जो डाले जीरो होंगे वो नंबर माइनस वन, यानी कि यहाँ पर जो जीरो है ये टू है, तो माइनस टू माइनस वन, तो इससे क्या है, इससे है माइनस थ्री, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है। अब इस नंबर का मैं मेंटल शक्ति से मालूम करूंगा, यहाँ पर हम इसका जो करेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया वो है थ्री, तो ये यहाँ पर जो इसका करेक्टरिस्टिक आया वो क्या है, वो है थ्री, और मैं इसका मेंटल शक्ति से मालूम करूंगा। इसका मेंटेस मालूम करने के लिए बहुत ईजी है, सबसे पहले इसके लिए एक इलेक्ट्रिक टेबल होना जरूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेबल के बारे में मेंटेस मालूम नहीं हो सकता, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक टेबल है। पहले जब हम मेंटेस मालूम करेंगे तो पहले हम ये तीन नंबर लेंगे, हम इस 45 को 6 के नीचे देखेंगे। अगर आप ये इलेक्ट्रिक टेबल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 25 को हम 6 के नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये इस लाइन में जो ये वाला रो है इसमें 25 देखे, और यहाँ पर ये वाला जो नंबर इसमें 6 देखे, तो यहाँ पर मेरे पास है कि 25 है मेरे पास 6 के नीचे, जब मैं 25 देखूंगा तो इससे आएगा, इससे आएगा 4065 मेरे पास ही आएगा। हमारे पास एक नंबर ऐसे दिए हो गए 10 से के 10, 11, 12 और कुछ नंबर 0 से ऐसे दिए होंगे 9 तक, और फिर यहाँ पर इसका एक और रो होगा कि 1 2 3, फिर ऐसे जाता रहेगा। तो यहाँ पर जो 9 है इसमें यहाँ पर 25 देखने पर 25 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो ये वाला 6 है, ये 6 हम इसके नीचे 25 देखेंगे, 25 यहाँ पर आ रहा है 4065, यहाँ पर ये 25 है, तो हम इन तीनों की जगह ये लगाएंगे। अब बाकी रहता है जीरो, जीरो जीरो के लिए हम क्या करेंगे कि जीरो खत्म हो जाए, तो यहाँ पर जो ये जीरो है इस यहाँ पर जो नंबर होगा वो प्लस, यहाँ पर जो नंबर होगा वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर है 3979 प्लस 3979, हमारे पास ये नंबर आया, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाला नंबर फिर हम नहीं देखेंगे, फिर हमारे पास जो यहाँ पर जो नंबर होंगे फिर हम उसको देखेंगे। तो ये तो हमने इसका मेंटेस मालूम कर लिया, अब फर्ज करें कि हमारे पास ऐसा नंबर है, ये तो इसका मेंटेस था, अब फर्ज करें कि हमारे पास ऐसा नंबर हो लॉग ऑफ 2301, हमारे पास ऐसा नंबर होता हम इसका कैसे मालूम करेंगे, इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नंबर ये 4 है, 4 - 1 = 3, इसका करेक्टरिस्टिक है। अब हम इसका मेंटेस कैसे मालूम करेंगे, इस 23 को हम 0 के नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये से और 0 से यहाँ पर ये 9 तक और ये 11 से आखिरी जो में है 49 तक, ये ऐसे एक पेज में सिर्फ ऐसे है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 25 यहाँ पर है, तो मैं जब 0 के नीचे देखूंगा 25 को यहाँ पर आएगा कि 3979, मेरे पास 0 की वैल्यू भी आई, तो मैं इन तीनों की जगह पर क्या लिखूंगा कि 3979, मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, तो इस 1 की वैल्यू फिर क्या होगी, ये उस 1 के लिए हम खत्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो इसके बाद ये 9 तक तो ये एक खत्म हो गया, फिर इसके बाद और नंबर शुरू होते जो जैसे कि 1 2 3, फिर ये 4 5 6, फिर 7 8 9, तो फिर ये होंगे, तो 125 के लिए देखें कि 25 के पर क्या है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 1 के नीचे, अगर हम 25 पर देखें तो इसकी वैल्यू 2 आती है, तो हम वो ये 2 इसके साथ प्लस करेंगे, तो फिर हम इस 3979 प्लस 2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक एक बार है टेबल है, उसमें 25 की ये क्या है 0 है, 0 के नीचे 25 की वैल्यू ये आई, फिर बाकी रहता है 1, यहाँ पर अगर 1 हो तो 1 25 के नीचे देखे तो इसके यहाँ पर जो ये नंबर दिए गए हैं जैसे कि 49, ये जो टेबल दिए गए हैं इसमें इसकी वैल्यू 2 आई है, तो हम इसको इसके साथ जब प्लस करेंगे तो इससे क्या आएगा कि 39, तो ये 1 और ये 8, सॉरी
ये 79 प्लस 2 तो ये 111 और ये 8 हाँ तो 81 इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक हम इसका पूरा लॉग कैसे मालूम करेंगे, तो इससे क्या आया कि 3981 इससे ही आया। और अब ये रहता है जब इसका पूरा लॉग लिखेंगे कि तो 3 पॉइंट यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटेसा, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा मैं यहाँ पर ख्याल रखता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटेसा ये हमारे पास फिर लॉग आएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा फिर पॉइंट लगाएंगे फिर जो मेंटेसा की वैल्यू आई होगी फिर हम वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है तो 3 पॉइंट और मेंटेसा क्या है 3.3981 ये हमारे पास लॉग की वैल्यू है कि हमने किसका लॉग मालूम किया था इसका कि 2301 लॉग ऑफ 2301 इक्वल टू 3.3981 तो ये इसके बराबर है, हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली। आज तो हमने ये नॉन जीरो यानी वो नंबर जो जीरो से ग्रेटर है हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे कि जब हमारे पास वो नंबर जो वन से स्मॉलर हो हम इसकी जो मेंटेसा होगा कैरेक्टरिस्टिक होगा उस सारे पर मैं आपको बात भी करूंगा वजह भी करूंगा और समझाऊंगा भी। और उम्मीद है कि आपको इस तरीका पसंद आया होगा और समझ में भी, और अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।